शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर से ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई जिसने आंदोलन के रक्त चरित्र को उजागर कर दिया। शुक्रवार को धरना स्थल के मुख्य मंच से कुछ फीट की दूरी पर एक दलित युवक का शव बैरिकेटिंग पर लटकाया गया। शव के साथ उसकी कटी हुई हथेली को भी टांगा गया था। दरअसल आंदोलन में शामिल कथित किसानों ने उस शख्स के साथ बेरहमी की, फिर जब उसकी मौत हो गई तो उसके शव को वहीं पर टांग दिया। मारे गए शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आपको बर्बरता का पता चल जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लखबीर सिंह के शरीर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। उसके शरीर पर 10 से ज्यादा जख्म के निशान, शरीर पर रगड़ के निशान भी मिले थे। उसकी एक हथेली कटी हुई थी जो बॉडी से अलग थी। पैर भी कटा हुआ था लेकिन बॉडी से अलग नहीं था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होता है कि किसानों के भेष में छिपे हथियारों ने लखबीर सिंह के साथ कैसे तालिबानी क्रूरता को अंजाम दिया। लखबीर सिंह की हत्या के आरोप में हरियाणा पुलिस ने सरबजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। सरबजीत एक निहंग साधु है और आज पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। जाहिर है कि लखबीर के साथ जैसी बर्बरता हुई उसे एक अकेला आदमी तो अंजाम नहीं दे सकता, उसमें कई और लोग भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक लखबीर की हत्या के केस में बाबा अमनदीप सिंह और बाबा नारायण सिंह नाम के दो आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं इस मामले में बाबा बलवान सिंह नाम के शख्स ने फेसबुक पर दावा किया था कि हत्या में वो भी शामिल है। गाजीपुर बॉर्डर पर कब्जा कर आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत को सिंघू बॉर्डर की हत्या की घटना पर गुस्सा तो नहीं आया, बस वो कानून के नाम की माला जपते रहे। गलत चीज है, जो देखा है वो पूर्ण रूप से गलत है और संयुक्त मोर्चे ने अपना बयान जारी कर दिया। उसमें कानून अपना काम करेगा। यहाँ हिंसा नहीं है, हमारे यहाँ पे हिंसा नहीं है और उसमें लोगों ने क्या उसमें करा है वो सबको पता है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों द्वारा दलित की हत्या का मामला राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग तक भी जा पहुंचा है। आयोग ने सिंघू बॉर्डर पर हत्या की तुलना तालिबान और आईएसआईएस से की है। स्टेज के साथ इसको लटकाया गया है, इसकी हत्या की गई है ये दिखाया गया है और ये अपने आप में बहुत निंदनीय है। ऐसी घटनाएं हमने तालिबानों के माध्यम से तो हम सुनते थे, या आईएसआईएस के जो लोग थे वो ऐसी घटनाएं तो वहां से आती थी। सिख समाज से भी इतनी क्रूरता का कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। किसान भाइयों को जो है इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। पंजाब के तरन तारण में रहने वाला लखबीर का परिवार हैरान है कि वो शख्स पिछले कई महीनों से किसान आंदोलनकारियों की सेवा में ही लगा हुआ था, वो भला पवित्र ग्रंथ की बेअदबी कैसे कर सकता है। नहीं सर, सानू नहीं लगता कि वो इस तरह कर सकता। अही नहीं ये सोचा है कि वो इतना कर सकता। सर सब गलत है, झूठ है, सब इदा का है ही नहीं सी। हत्या, गैंगरेप, पुलिस वालों पर हमला और खालिस्तानी समर्थकों के कारण सिंघू बॉर्डर बदनाम हो चुका है। ऐसे में अब देश की सबसे बड़ी अदालत से मांग हो रही है कि सिंघू बॉर्डर को किसान आंदोलनकारियों के कब्जे से मुक्त कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि सिंघू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में तेजी लाई जाए ताकि बॉर्डर को जल्द से जल्द बंधक मुक्त कराया जाए। लखबीर सिंह की हत्या के एक आरोपी को तो पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन सवाल यह है कि बाकी के आरोपियों को कब पकड़ा जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों से हुई वारदात से अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब सिंघू बॉर्डर पर किसानों की जगह अपराधियों ने ले ली है। दिल्ली से संवाददाता जितेंद्र शर्मा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।